हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का चौथा वीडियो देखेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि किस धातु को क्रियोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है, तो चांदी। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु विद्युत का कुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। सॉरी, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु जो चमकीला होता है, तो आयोडीन। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। नेक्स्ट है 9 नंबर, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है, कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं, तो हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत मुलायम होती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, तो लेड, पीबी यानी सीसा। नेक्स्ट है 16 नंबर, एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना एवं चांदी। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, पारा के एक अयस्क का नाम बताएं, तो सिनेबार। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग। नेक्स्ट है, हेमाटाइट किसका अयस्क है, हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का चौथा वीडियो देखेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि किस धातु को क्रियोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है, तो चांदी। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु विद्युत का कुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। सॉरी, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु जो चमकीला होता है, तो आयोडीन। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। नेक्स्ट है 9 नंबर, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है, कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं, तो हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत मुलायम होती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, तो लेड, पीबी यानी सीसा। नेक्स्ट है 16 नंबर, एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है,
कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना एवं चांदी। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, पारा के एक अयस्क का नाम बताएं? तो सीने बार। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग। नेक्स्ट है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।